दोस्तों ये जो देख रहे हैं ये जोनल एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम है और हमें यहाँ पे घुमाने के लिए दिखाने के लिए हमारे सर ले आए हैं। तो दोस्तों आप सभी को दिखाता हूँ सारे डिटेल्स में अंदर में जो रखा हुआ है। ये जो स्कल देख रहे हैं हेड का जो स्कल है वो डिफरेंट टाइप्स का है, तो ये हमारे पूर्वजों का ये स्कल है। तो दोस्तों आप देखिए उनका जो कल्चर था क्या था वो सारे डिटेल्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये हमारी मैम है यहाँ की, ये सारा डिटेल्स आप लोगों को बताएंगे। मोस्ट वेलकम टू द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये हमारा एथनोग्राफिक म्यूजियम है। एथनोग्राफिक इन द सेंस कि हम पुराने चीज़ें नहीं जो अभी भी यूज होते हैं, सामान जो भी होता है उस वो डिस्प्ले किया गया है। जैसे आपको पता है उत्तराखंड में 5 मेजर कम्युनिटीज है, ट्राइबल पॉपुलेशन, ट्राइबल कम्युनिटीज। उनका नाम बता सकते हैं आपको? जो ट्राइबल कम्युनिटीज है हाँ वो गढ़वाली नहीं आएंगे उसमें। एक हो गया भुटिया, एक जौनसारी, एक राजी, एक बोक्सा और एक थारू। ये 5 मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो हमने सेक्शन वाइज यहाँ पे डिवाइड किया है और हर कम्युनिटी का जो डे टू डे यूज़ होता है सामान वो हम डिस्प्ले पे रखते हैं। इसको जैसे किचन आइटम्स होंगे, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स होंगे या फिर फिशिंग इम्प्लीमेंट्स होंगे, ये सब डिस्प्ले में है। ये हमारा ये वाला जो सेक्शन है मटेरियल कल्चर वाला सेक्शन है। और बगल में है हम लोग का पैलियोएंथ्रोपोलॉजी वाला सेक्शन जहाँ पे आपको स्टोन टूल्स, फिर फॉसिल मतलब स्कल्स जो मिले थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, रूपकुंड के नाम सुना होगा आप लोगों ने, रूपकुंड के जो मटेरियल्स मिला था, स्केलेटन रिमेन्स मिले थे, वो सब भी डिस्प्ले पे रखा है। ठीक है, सो यू टेक योर टाइम, ऑब्जर्व नाइसली एंड प्लीज़ गिव योर फीडबैक्स। ओके ये ट्राइबल स्पेसिफिक नहीं है, ये जौनसारी का है। ठीक है, ये जो सारे एरिया हो गया जौनसारी का एक खासियत है कि वॉलेंट्री एक से ज़्यादा है, कभी भी कौन बोले वो अगर किसी का अगर एक ज़्यादा हो ना वो स्टेटस है। ठीक है, ये जौनसार एरिया है ना वो वहाँ पर चक्रा था जो है ना, ये जौनसार एरिया ये चीज़ है, एक इससे रिलेटेड उनकी नेटिव लैंग्वेज उनके पोशाक है जौनसारी के, ये उनके ये कंघा ये सब करने के लिए कपड़े वपड़े उससे रिलेटेड चीज़ है, फिशिंग हंटिंग ये सब जौनसारी लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। कुछ है जानवरों के लिए आप लोग के यहाँ पे देखो घंटे घर लगाते हैं ना, तो उन लोग का इस तरह का चीज़ है शायद बड़ा तो, ताकि पहाड़ में रहते हैं ना, पहाड़ में ज़्यादा आवाज करेगा तो मुझे पता चलेगा कि मेरा गाय किधर है, प्लेन तो है नहीं पता नहीं चलेगा फिर। ठीक है, और ये आपको हर जगह का है ये कैप। ठीक है, गुज्जर का अलग कैप है, भोटिया का अलग है। ठीक है, बैठा शुरू करो दोस्तों, सर फट जाएगा ये ऐसे बिल्कुल, टच मत करना, क्लास टच करना। ठीक है, ठीक है, गुज्जर बन गुज्जर मुस्लिम हर का अपना अपना कम्युनिटी का, हिमाचल ये हर कम्युनिटी का अलग अलग कैप है। गुरखाली टोपी ढाका टोपी, ये जो केमिकल है ना वो सिल का है ताकि आपको मॉइस्चर मॉइस्चर असर हो। जो वो होता दूसरा वो चीनी जैसा होता है वो किस में डालते हैं जी? वही वाला चीज़ है जो छोटे छोटे चीज़ है ये सर, ये अलग ये अलग डिब्बे में, ये थोड़ा डिब्बे में पहले छोटे छोटे आते हैं बारीक चीनी तो वही है सर, वही अंदर में रख। इनका एरिया ये जो है देहरादून है ना, ये जो सेंटर है इसके अंतर्गत 7 स्टेट्स कवर होते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ये जो एरिया है ना ये सब इसके अंतर्गत आता है, इस सेंटर के अंतर्गत। इसी तरह ऑल ओवर इंडिया में 7 रीजनल सेंटर है।
ये मिक्सअप है, ठीक है। ये फ्रंट वाला जो चीज है मिक्सअप है, इसमें हर तरह के इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। हथियार वेपन्स, ये वेपन्स है इसमें। ये तो अपने पास है, टिपू भी है। कौन सा अपने पास वो है? ये थारू का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ थारू मिलते हैं, स्पेसिमेंस है ना, कलेक्शन, ये सारे इस कम्युनिटी से रिलेटेड है। ये हर तरह का ये सूज है, हर क्लाइमेट के हिसाब से सूज है। अगर बर्फ में है तो इसके लिए अलग है, ठंडा के लिए अलग है, जनरल लाइफ के लिए अलग है। हर कम्युनिटी कम्युनिटीज वाइज है। जौनपुर का होगा, किसी का ओटिया का होगा, किसी लद्दाख का होगा, जौनसारी ये जौनसार जो जौनसार एरिया में ना जब बर्फ़ पड़ते हैं ठंडे के टाइम में तो घरों में लोग इस तरह से यूज करते हैं, तो उनका ट्रेडिशनल चीज़। अब तो सब लोग शूज वूज पहनते हैं, लेकिन अभी भी पहनते हैं कलेक्शन। ये सब सारे जिस कम्युनिटी के हैं उस कम्युनिटी का कलेक्शन है। लोग फिर जाते हैं फिर देने के लिए, तो उनसे भी कलेक्शन करते हैं, बहुत पहले से ऐसे ही सर। अभी देखो कश्मीरी जो कश्मीरी से एरिया का ही जाने, उसमें कश्मीर में लोग देखो खाने पीने में किस तरह का यूज करते हैं। ये किचन किचन सर, ये कम्युनिटी है बहुत, ठीक है। ये आपका नाम लेने का एरिया जो होते हैं ज़्यादातर उनका ये होता है कि उनसे रिलेटेड है, उनके लिए सब सारे कम्युनिटी कैसे उन छाटते हैं, कैसे उसी से रिलेटेड है, सूट काटना ये सब सारे चीज़ें। भोटिया का डिस्क्रिप्शन है, पढ़ सकते हैं। अच्छा थारू का था ये भोटिया, सभी कम्युनिटी का अलग अलग है। रिचुअल्स वाले हैं, ये छोटा सा सेक्शन है राजी का, क्योंकि इसकी संख्या ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया में ही पाई जाती है, और इसकी टोटल संख्या 650 के आसपास है इस कम्युनिटी, 650 के आसपास इस कम्युनिटी का, ठीक है। और काफ़ी रूरल एरिया में रहते हैं, पहाड़ों में भी काफ़ी हाइट एल्टीट्यूड पर रहते हैं, लोगों से कम्युनिकेशन थोड़ा अभी कम है, तो पढ़ रहा, लेकिन अभी भी कम्युनिकेशन वो अभी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पर ज़्यादा लोग टिके हुए हैं। किसका कपड़ा है? राजी कम्युनिटी। ये है जो अपना अपना थोड़ा सा मोनोमेंट है, बोटिया कौन सा हाँ गद्दी, हिमाचल की कम्युनिटी है गद्दी, हिमाचल ट्राइब, हिमाचल में ट्राइब्स है। उसका पोशाक ये है, मेल फीमेल का अलग है, ये जौनसारी का है, सब कम्युनिटी का अलग अलग। वो किसका है? कुल्लू। कुल्लू कुल्लू जो है, कुल्लू में जाओगे कुल्लू की जो लोकल है ट्रेडिशनल, ये सब ये आपका कांगड़ी है जो जम्मू कश्मीर में ज़्यादा यूज करते हैं, कश्मीरी कांगड़ी। ये पोशाक है,
हाँ उनका ही है, इनका पोशाक और बाहर के पोशाक में दोनों अंतर है। क्लाइमेट के हिसाब से पोशाक चेंज हो जाता है। ये हाउस होल्ड मटेरियल्स ट्राइबल हर स्टेट में उनका अलग अलग स्टेटस है, स्टेट बाय स्टेट डिफर करता है। ये हो गया बोक्सा, बोक्सा के बारे में जानते हो? बोक्सा मटेरियल कल्चर होता है जो हम डेडी लाइफ में यूज करते हैं। जब आप कल्चर करके कभी पढ़ना चाहो, कल्चर में दो तरह के कल्चर, मटेरियल कल्चर नहीं, मटेरियल कल्चर में होता है आपको जो दिख रहा है आपको यूज कर रहे दिख रहा है, और मटेरियल कल्चर आपके रिलीजियस बिलीफ। यस तो सर ये डांस और सिंगिंग ये सब इसमें आएगा मटेरियल की? अगर इंस्ट्रूमेंट है तो ये सब इंस्ट्रूमेंट मटेरियल में आएगा, और मटेरियल उनके जो गाना गा रहे हैं, जो गीत गा रहे हैं, उसका क्या मतलब इमोशन है, वैल्यूज क्या है, ये सब अंदर होंगे। ये बुक्स लाइफ स्टाइल उनका करना है इंस्ट्रूमेंट यूज कर इंस्ट्रूमेंट है। ये तो संतूर है ना सर? ये संतूर है हमारे कश्मीर सबसे सब साफ देखते हैं तो कितना अच्छा गया हुआ रहता है। देखो कितना ये सब सारे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ये खास में इसमें यूज होते हैं, वहाँ के लाइफ स्टाइल में ये सब यूज होते हैं। खाना खाने के बाद हाथ धोना, वहाँ का क्योंकि स्मोकिंग करना, स्मोक स्मोक को धुआं रख के धुआं जाना ताकि धूप रख दो, उसके बाद जो खाने के बाद हाथ धोने के लिए अब कोई बर्फबारी बर्फ नहीं बहुत दिन तक की जगह सिंधु घाटी ये सब नाम सुने हो ना? छोटे छोटे छिले के लिए अलग यूज हो सकते हैं, किसी को मारने के लिए अलग यूज हो सकते हैं। हड़प्पा से ये सब सिविलाइजेशन थे इंस्ट्रूमेंट है। हड़प्पा के हड़प्पा सिंधु घाटी से बहुत महंगा हुआ यार। अभी
ये जो ग्राहक है बहन, ठीक है, आपको चला के दिखाया जाएगा। किधर आ जाओ, अभी एक बार सब लोग आ जाइए। पहाड़ों वाड़ों में क्या होता है, ठीक है, जहाँ जल का जल है, नदी वदी कोई आता है, नदी कोई आता है, ठीक है, तो नदी से क्या करते हैं, एक एक नाला टाइप से बना के ले आते हैं। और घराट जो मूलतः पानी से ही चलता है, ठीक है, वो क्या होता है, आपको ये नीचे देखो, ठीक है, वो इस पर प्रेशर करता है, इस ये जो रोकेट होता है, ये संवेशी करने का सिस्टम है, यहाँ पर गिरना चाहिए और चले जाते हैं, वो धीरे 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 वो दो घंटे तीन घंटे उन लोग आइडिया होता है, वो उसको दबाते हैं, वो घूम रहा है ना, फेसिंग करते हैं क्या? नहीं, हाँ पीसते हैं, आटा चक्की, फ्लोर बनाते हैं, पुराने जमाने में तो ये अभी भी पहाड़ों में, जहाँ पे आटा चक्की नहीं है मार्केट मतलब पहाड़ों में है, पहाड़ों में अभी भी ये सबके अपने अपने घराट होते हैं, तुम दोरा फिर उसमें लगा दिया, डाल दिया, अब चले गए अपने घर पे या कुछ काम कर रहे हैं, एक डेढ़ घंटा के बाद चेक कर लिया, फिर डाल दिया ऐसा लगा। जैसे हाथ से पीसना होता है तो कितना पीस हो गया, ज्यादा 1 किलो मान लो 10 किलो में पीसना है, नोटिस क्या क्या क्या? अंशु किधर गया था? अंशु इधर आइए ना। अरे महाराज बेकार में आप क्यों चले जाते हैं? बोलिए, चलो दोस्तों, हम अभी एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम में हम विजिट कर चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं दूसरे म्यूजियम में विजिट करने के लिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो आप आ सकते हैं यहाँ पे, जो हम सारे अपने दोस्तों के साथ में हम यहाँ पे आए हैं। आगे वाला घर टूट जाएगा। हमारे साथ प्रिय मित्र शाश्वत जी, क्या बोलना चाहेंगे, जोनल एंथ्रोपोलॉजिकल जो म्यूजियम हम विजिट किए हैं वो कैसा था? बहुत अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट भाई, बहुत ही अच्छा, क्योंकि आप कहीं भी जाओ तो बिना पैसे का तो विजिट कर नहीं पाओगे, तो काफ़ी अच्छा था, आप आ सकते हो। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया में और मेरा दोस्त है अंशु राजा। दोस्त कैसा लग रहा है? सब बहुत बढ़िया। फ्री ऑफ कॉस्ट में हम जो एंथ्रोपोलॉजिकल जो म्यूजियम था उसमें विजिट किए, अब सेकंड हमारे चांसेस में बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसमें भी हम विजिट करेंगे। ये तो
नीमाटोड नहीं है ये, क्रस्टेशियन है जैसे वो शामुक। हाँ शामुक हमारा बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कंप्लीट हो चुका दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय झारखंड।